सो हेलो डियर फ्रेंड्स, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आज आपको छत्तीसगढ़ के ऐसे टॉप 9 कॉलेजेस के बारे में बताएंगे जहां से आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इन कॉलेजेस में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, एवरेज पैकेज और हाईएस्ट पैकेज इन कॉलेजेस का कितना है। तो मेरा नाम है दुष्यंत कुमार देवांगन और आप देख रहे हैं दुष्यंत देवांगन यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए, और साथ ही साथ आपको इस चैनल पर कॉलेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मिलते रहेंगे। तो चलिए देखते हैं 9 नंबर पे जो कॉलेज है, रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भिलाई, जो कि एस्टेब्लाइज हुआ था इन द ईयर 1999 पे, एंड यह कॉलेज छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अप्लाइटेड है और AICTE से अप्रूव्ड है। हाँ जी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड है। अब बात करते हैं इस कॉलेज में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। देखिए, इस कॉलेज में आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इस कॉलेज का एवरेज पैकेज कितना है। तो इस कॉलेज का एवरेज पैकेज है 3 लाख पर एनम, एंड हाईएस्ट पैकेज की बात करते हैं तो वो है 12 लाख पर एनम, ठीक। चलिए नेक्स्ट कॉलेज है श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी रायपुर, विच वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन द ईयर 2008, और यह कॉलेज छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड है एंड अप्रूव्ड बाय AICTE, ठीक है। इस कॉलेज में भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। एवरेज पैकेज की बात करते हैं तो देखिए 5 to 6 लाख पर एनम इस कॉलेज का एवरेज पैकेज है, और हाईएस्ट पैकेज की बात करते हैं तो वह 16 लाख पर एनम इस कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज है, ठीक है। चलिए देखते हैं 7 नंबर पर जो कॉलेज है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर, जी बिल्कुल, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी बिलासपुर से भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। यह कॉलेज अप्लाइटेड है UGC से, ACU से, AIU से, AICTE से एंड BCI से, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है छत्तीसगढ़ का। चलिए देखते हैं इस कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो देखिए, इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेंस क्वालिफाई करना होगा। इस कॉलेज का एवरेज पैकेज है 5 लाख पर एनम एंड हाईएस्ट पैकेज है 16 लाख पर एनम, ठीक है। चलिए 6 नंबर पे जो कॉलेज है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर, जो कि एस्टेब्लाइज हुआ था 1964 में। यह कॉलेज भी छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अप्लाइटेड है एंड AICTE से अप्रूव्ड है। इस कॉलेज में आप छत्तीसगढ़ प्री इंजीनियरिंग टेस्ट के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। इस कॉलेज का एवरेज पैकेज है 2.5 लाख पर एनम एंड हाईएस्ट पैकेज है 3.8 लाख पर एनम, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 5th नंबर पर जो कॉलेज है, भिलाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दुर्ग, हाँ जी, BIT दुर्ग, जो कि एस्टेब्लाइज हुआ था इन द ईयर 1986, एंड यह कॉलेज अप्लाइटेड है छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एंड अप्रूव्ड है AICTE से। बात करते हैं इस कॉलेज में एडमिशन कैसे ले सकते हैं। तो JEE मेंस के थ्रू आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर छत्तीसगढ़ प्री इंजीनियरिंग टेस्ट के थ्रू आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। इस कॉलेज का एवरेज पैकेज है 4 to 5 लाख पर एनम एंड हाईएस्ट पैकेज है 12 लाख पर एनम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो कॉलेज है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर, जो कि एस्टेब्लाइज हुआ था इन द ईयर 2006, एंड यह कॉलेज भी छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड है एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। देखिए, इस कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको क्या करना होगा, JEE मेंस एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, या फिर छत्तीसगढ़ प्री इंजीनियरिंग टेस्ट के थ्रू भी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। चलिए 3rd पे जो कॉलेज है, IIIT नया रायपुर, जी बिल्कुल, विच वॉज फॉर्मली नोन एज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नया रायपुर, जो कि एस्टेब्लाइज हुआ था इन द ईयर 2015, एंड यह कॉलेज भी UGC और AICTE से अप्लाइटेड है। इस कॉलेज में भी आप JEE मेंस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस कॉलेज की एवरेज पैकेज की, अकॉर्डिंग टू 2022 स्टैटिस्टिक्स तो वो है 12.61 लाख पर एनम, एंड हाईएस्ट पैकेज की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक 2022 तो वो है 57 लाख पर एनम, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 2nd नंबर पे जो कॉलेज है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर, हाँ जी, NIT रायपुर, विच वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1956 एंड अफिलेटेड टू यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वॉशिंगटन एकॉर्ड, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। देखिए, इस कॉलेज में अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए एडमिशन लेने के लिए क्या करना होगा, JEE मेंस क्वालिफाई करना होता है आपको। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेना चाहते हैं
तो गेट क्वालिफाई करना होगा। जी बिल्कुल, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग आपको क्वालिफाई करना होगा फॉर द कोर्सेज लाइक एमटेक एंड एमएससी, ठीक है। एंड आप एमसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको NIMCET क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी की जब बात करते हैं तो देखिए, 12th क्लास में आपको एटलीस्ट 75% आपको मार्क्स चाहिए होता है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 65% मार्क्स चाहिए होता है। रिजर्व कैटेगरी में शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल ट्राइब्स स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इस कॉलेज का जो एवरेज पैकेज है अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स 2021, तो वो है 9.7 लाख पर एनम, एंड हाईएस्ट पैकेज है अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स 2022 2 करोड़ पर एनम, ठीक है। चलिए फाइनली फर्स्ट नंबर पे जो कॉलेज है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भिलाई, हाँ जी IIT भिलाई, विच वॉज एस्टेब्लाइज्ड इन द ईयर 2016। यह कॉलेज हाल ही में एस्टेब्लाइज हुआ है और फिलहाल टेम्प्रेरी कैंपस के रूप में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर में यह कॉलेज चल रहा है, ठीक है। इस कॉलेज में एडमिशन आप ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम एडवांस के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स में। अब बात करते हैं इस कॉलेज की एवरेज पैकेज की, तो वो है 10 लाख पर एनम, और हाईएस्ट पैकेज की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक्स 2021 वो है 31.97 लाख पर एनम। माय डियर फ्रेंड्स, आपको इन कॉलेजेस का कोर्सेज के लिए अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ कमेंट करके हमको बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।